देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन लगभग दोपहर का समय हुआ है और अभी भी देखिए माता बहनें बैठी हुई है। हमारे साथ में बड़े भाई साहब मुकेश जी आ गए हैं। मुकेश जी भाई साहब, कैसा चल रहा है और लगातार ये तीसरा शिविर में क्या सकारात्मक परिणाम आए हैं और नकारात्मक क्या बात रही, ये भी आप बताएं थोड़ा सा। तो आज शिविर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं क्योंकि 30 शिविर हो गए आज ही नहीं बिल्कुल, लेकिन आज सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है कि इतनी अच्छी डेवलप कॉलोनी होने के बावजूद भी आज शिविर है, सभी लोग सभी इसके पीछे जुड़ने के लिए उत्सुक है और थोड़ा सर्वर डाउन होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा प्रयास रहा गोविंद जी का कि वो हमेशा लोगों को जागरूक करते रहे, इसी के लिए धन्यवाद। क्या आपको लग रहा है ये योजना धरातल पे उतरेगी, क्योंकि आप लंबे समय से इसका थोड़ा सा मूल्यांकन बताएं कि योजना धरातल पे उतरेगी तो कैसे उतरेगी, लोगों की कितनी भागीदारी रहेगी और अन्य जिलों में क्या हाल है अभी? देखो योजना धरातल पे आ रही है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को भी मिल रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर योजनाओं में भाग ले रहे हैं, योजना धरातल पर आ रही है, सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लॉन्च की है, इसका अंतिम जो पड़ाव है गरीब जो लोग हैं उनको इनका फायदा मिल रहा है, अन्य जिलों में भी इसका देखने को मिल रहा है, लेकिन उदयपुर में इसका अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों को इसका मिल रहा है। उदयपुर टूरिज्म सिटी भी है और स्वच्छता की दृष्टि से जो आपको ये जो नई लेबर मिलने वाली है एक तरह की जो मानदेय पर मिलने वाली है आपको, एक मानदेय से इनको क्या फ़ायदा होगा और शहर को इससे क्या लाभ होगा? देखो लोगों की सोच ये होती है कि हमेशा की शहर में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो लेबर क्लास का काम करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है और उनको मानदेय पर वो काम करना चाह रहे हैं, ये तो हाँ लोगों के फायदे की बात है, शहर को ये फायदा होगा कि ये जो लेबर आ रही है ये साफ सफाई का काम करेगी, टूरिस्ट सिटी होने के नाते साफ सफाई अच्छी होगी, सड़कें साफ रहेंगी, गार्डन साफ रहेंगे, तो ये टूरिस्ट के लिए भी फायदा ही है। वैसे बेसिक क्या काम करना पड़ रहा है अभी और वर्तमान में आप क्या मॉडल इसका तैयार किया आपने? देखो वर्तमान में जो लोग आ रहे हैं नरेगा के तहत वो गार्डन का काम कर रहे हैं, बागानी का, और जो सड़कें के किनारे जो रोड स्ट्रिप है उनको साफ करने का काम कर रहे हैं और जो बावड़ियाँ हैं उनको भी साफ करवाना है। कुल मिलाकर स्वच्छता की दृष्टि से बहुत अच्छा है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जैसे उदयपुर के अभी अतिथि आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने वेनिस कहा है उदयपुर, क्या वेनिस बना के दिखाएंगे आप, क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि उदयपुर को फूड का वेनिस बनाया जाए पूरा का पूरा, ये एक भारत के लिए भी अच्छी बात है और गौरव की बात राजस्थान के लिए। मुकेश जी उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो किराएदार है, बेघर बार है, जो इस योजना से जुड़ने के बाद उनको किस प्रकार से वो सफल हो पाएंगे? देखो जो किराएदार है वो रोजगार के लिए यहाँ उदयपुर आए हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस योजना के आने के बाद उन लोगों को सुलभ तरीके से रोजगार मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी आपसे अपील करता हूं कि आप भी इस योजना से जुड़िए, क्योंकि आप किराएदार हैं या आपके मकान नहीं है, आवास नहीं है, राशन नहीं मिलता है, खाद्य सुरक्षा में आपका नाम नहीं है, सभी समस्याओं का एक ही समाधान रोजगार गारंटी योजना का नाम, अगर आप योजना गारंटी जुड़ जाते हैं तो आपको सारी योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता जाएगा। और देखिए ऐसा नहीं है, बड़ी संख्या में अपना आवेदन भी कर रहे हैं, आने वाले समय में जो जो रोजगार गारंटी योजना से जुड़ेंगे उनको लाभ भी मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं अपना जीवन को संभल तो 50,000 का लोन भी ले सकते हैं बिना ब्याज का, वो भी ऋण दिया जा रहा है, उसका क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। जागरूक हो जाए तो सुलाना मुश्किल पड़ जाता है, गोली देनी पड़ती, नींद की गोली देनी पड़ती है। देखिए हमारी माता बहन ने बात करी, जागरूक इंसान बहुत ज्यादा जागरूक, जागरूकता यही है कि अपने घर को ठीक करें, काम करें, रोजगार करें और सम्मान के साथ रोजगार पाए ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। आगे नेट पर नहीं पकड़ चल।